हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC असिस्टेंट की जो न्यू सैलरी स्लिप है उसके बारे में। तो ये सैलरी स्लिप है नवंबर मंथ की, तो डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। ये सैलरी स्लिप है नवंबर मंथ की, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है द सैलरी स्लिप ऑफ द मंथ ऑफ 11th 2023। तो इसमें सबसे पहले क्या रहता है आपका बेसिक पे। बेसिक पे आपका कितना रहता है, 31,220 रुपीज़ आपको बेसिक पे दिया जाता है एज ए LIC असिस्टेंट। तो आपका जो स्पेशल अलाउंस रहता है आपको मिलता है 2,000 रुपीज़ का, आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है इसमें। और कैशियर अलाउंस एरियर्स होगा तो वो आपको इसमें मिला है 1,340 रुपीज़। उसके बाद DA जो मिला है, DA मिला है 18,417 रुपीज़। और उसके बाद HRA जो मिलता है आपको 2,185 रुपीज़ आपको HRA मिलता है एज ए असिस्टेंट। तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है, 680 रुपीज़ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें मिलता है। तो हम इसका टोटल देखें तो आपका ग्रोथ सैलरी निकल के आएगा। तो ग्रोथ सैलरी जो आपको LIC असिस्टेंट में मिलता है 55,842 रुपीज़ आपका ग्रोथ सैलरी यहाँ पे बन रही है एज ए LIC असिस्टेंट। तो इसमें से कुछ डिडक्शंस होती हैं जो कि माइनस करने के बाद आपका जो नेट हैंड सैलरी आपके निकल के आती है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो सबसे पहले जो आती है NPS की, NPS डिडक्शन जो रहती है आपकी 4,853 रुपीस आपका जो NPS डिडक्शंस यहाँ पे होती है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स क्लब के यहाँ पे डिडक्शन है 50 रुपीस। और उसके बाद मेडिक्लेम के लिए आपके 332 रुपीस यहाँ पे डिडक्शन है। और उसके बाद न्यू GI स्कीम में 97 रुपीस यहाँ पे डिडक्ट किए गए हैं। उसके बाद GTAS रिस्क प्रोविजन होगा उसका 270 रुपीस यहाँ पे डिडक्ट किया गया है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का 3,818 रुपीस यहाँ पे डिडक्ट किया गया है। और उसके बाद GIC प्रीमियम का 2,255 रुपीस यहाँ पे डिडक्ट किया गया है। तो इन डिडक्शंस का टोटल करेंगे उसके बाद इसको ग्रोस अर्निंग्स में माइनस किया जाएगा। तो इसका टोटल जो बनता है, इसका टोटल डिडक्शंस आपकी बनती हैं 11,675 रुपीस। तो इसको हम डिडक्शंस को ग्रोस अर्निंग आपकी जो है 55,842 रुपीस में माइनस करेंगे तो आपका जो नेट हैंड सैलरी निकल के आएगा वो है 44,167 रुपीस आपका नेट सैलरी निकल के आता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो ये सैलरी स्लिप रहता है एक LIC असिस्टेंट का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।